मुंबई के गोरेगांव में फर्नीचर मार्केट के पास भीषण आग लग गई। आग लगने की घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जागेश्वरी पश्चिम में रिलीफ रोड स्थित एक फर्नीचर गोदाम में आग लगी। इलाके में खुदरा विक्रेता और कारखानों के मालिकों ने कहा है कि उन्हें करोड़ों रुपये का नुकसान होने की आशंका है। कारोबारियों ने दमकल की गाड़ियों के देर से पहुँचने की भी शिकायत की।